हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मनीषा राजू ब्लॉग में। तो गाइज, मैंने आप सबको बोला था कि मैं कल परसों के दिन प्लाट पे जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी अपना प्लाट और कितना बन गया। तो देखो गाइज, आपको सामने दिख रहा होगा ये जो औरत बैठी है, वो भैया खड़ा है यही। गाइज, आज मेरे को भी बेलदारी करनी पड़ रही है, और दिन में कंपनी में जाती थी तो आज मेरे को बहुत काम करना पड़ता है। देखो राजेंद्र जी को बुशर्ट पहन के काम कर रही हूँ, कहीं मैं काली ना हो जाऊँ। और ये देखो राजेंद्र जी कैसे हो रहे हैं, पानी नहीं है, बहुत हालत खराब हो रही है गाइस, बहुत धूप निकल रही है, बरसात नहीं हो रही है और ये पानी ना हड़पम। तो गाइस, आज मोटी को करवा रहे हैं बेलदारी। ये देखो मसाला बना रही है और मिस्त्रियों को दे रही है। और एक ये है, और हमारी कुर्सी की हाइट हो गई 9 फुट। पता नहीं, मैंने तो कभी 9 फुट देखी नहीं, यानी 7 फुट तो ऊपर, 2 फीट जमीन में। और ये हो गई मोटी उचादी परात। तो ये देखो गाइज, ये मेरा काम चल रहा है यहाँ पे, और देखो कितना हरा हरा हो रहा है। और ये अंकल जी, ये भाई साहब है, और ये मेरे 4 फुट की कुर्सी हो गई है और अब दूसरी आ रही है। और ये देखो राजेंद्र जी कैसे हो रहे हैं, काले सुम हो गए बेलदारी करके। बहुत दिन हो गए गाय जी मेहनत करते, लेकिन अभी तक कुर्सी नहीं भरी। देखो कितने आदमी लग रहे हैं और काम चल रहा है हमारा। बद्री टूट का दाई कनिया ढूंढ लिया, उधार को लिया यार। तो गाइज, मोटी जी की हालत ख़राब हो गई है, और आज के बाद ये काम करने नहीं जाएगी मकान पे, क्योंकि देखो गाइज बेलदारी करनी पड़ी आज। मेरी बेबी की तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत थक गई है गाइज। और वहाँ पे क्या गाइज, बेलदार दो थे, फिर भी खुद का मकान है तो छोटा मोटा काम कराने के लिए आज। गाइज, मैं इतना परेशान तो नहीं होती, लेकिन आज मैं कम से कम 2 साल में बेलदारी का काम करी हूँ, क्योंकि मैंने जब से शादी किया, जब से मैं कंपनी में काम करती थी और कभी धूप में भी नहीं निकलती थी, और आज मैं धूप में निकली और बेलदारी का काम करी, तो आपको भी पता है कि थकान तो महसूस होती है। तो गाइज, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।